हेलो फैमिली, मैं बना रही जा रही हूँ आज सारे चावल का पुलाव। ये हमारे पास आलू गाजर बीन्स को हमने फ्राई कर लिया हल्की हल्की। ये मटर, ये हमारे पांच टमाटर प्यूरी बना ली है, पांच प्याज है, आधी हमने फ्राई कर ली, आधी हमारे फ्राई हो रही है। इधर हमने तेल गरम करने के लिए चढ़ा रखा है, बनाएंगे पुलाव। हमारी प्याज भी कट गई है, मसाला है, टमाटर है, मटर है, सोयाबीन है और ये गाजर और आलू और बीन्स, सबको हम तेल हमारा गर्म हो रहा है, जीरा डाल दिया है इसमें, तेज पत्ता डाल दिया, जीरा डाल दिया, प्याज ब्राउन हो जाएगी। घी बनाने पुलाव 30-40 लोगों के हिसाब से, प्याज हमारा ब्राउन हो गया, हम डाल देंगे ये चॉप किए हुए पांच टमाटर, भूनेंगे अच्छे से। डाल देंगे हम मसाले, मसाला मसाला लेंगे, देगी मिर्च, दे देंगे ऐसे, काबुली मसाला को, जब तक मसाला हमारा भून गया है तो डाल देते सारी सब्जियाँ, साथ में डाल देती ये सोयाबीन बड़ी, हम डाल लेंगे सारा मिक्स कर लेंगे। बस हमारी पहले से पकी है तो थोड़ा साफ से पक जाएगी।
चावल और डलेगा इसमें। ये देखिए हमारा 1.5 किलो चावल है, इसी हिसाब से हम पानी डालेंगे। पतीले में बना रहे हैं तो हमें पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा। गरम मसाला थोड़ा सा, हरी मिर्च, नमक, मिला देंगे इसको। देसी घी, चावल हमारा बहुत अच्छा बनेगा। ढक के पकने देंगे कम से कम 15-20 मिनट। देखते हैं हमारे चावल का क्या हाल है, हमने राइस बना रहे हैं। ये देखिए जी हमारा पुलाव कितना बढ़िया बन रहा है, खिले खिले। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ये देखिए हमारे राइस कितने अच्छे बन रहे हैं, खिले खिले। अभी इसको चढ़ा देती हूँ।